नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं निधि विश। तो वक्त हो गया है हल्द्वानी बुलेटिन का, आइए शुरू करते हैं पहली खबर से। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष के आखिरी दिन हल्द्वानी शहर के विकास कार्यों के लिए 18.84 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उत्तराखंड वित्त विभाग के आग्रह पर वित्त मंत्रालय ने विशेष सहायता योजना के तहत धनराशि जारी की। हल्द्वानी के एक सरकारी संस्थान में कोचिंग करने आई रामनगर की महिला को एक मनचला लगातार परेशान कर रहा है। महिला का आरोप है कि आरोपी रोजाना उसे फोन करके अश्लील बातें करता है। विरोध करने पर उसकी फोटो को अश्लील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दे रहा है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान पर कुछ दिन का ब्रेक लगाने के बाद अब अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के निर्देश में निगम कर्मचारियों ने मंगल पड़ाव मछली मार्केट में बनी लगभग 35 दुकानों में नोटिस चस्पा किया। हल्द्वानी के लोगों के लिए खतरा बने बाघ को आखिरकार आदमखोर घोषित कर दिया गया है, जिसे मारने के आदेश हो चुके हैं। ये बाघ अभी तक 5 लोगों की जान ले चुका है, जिसके बाद लोग लगातार इसे आदमखोर घोषित करने की मांग कर रहे थे। तो फिलहाल आज की इस हल्द्वानी बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।